इस देश की आजादी में सब धर्मों ने साथ दिया, इस देश की आजादी में सब धर्मों ने साथ दिया, लेकिन इन नेताओं ने हमें जात पात में बांट दिया। मौलाना अबुल कलाम मुस्लिम, हैदर अली मुस्लिम, टीपू सुल्तान मुस्लिम, अजीजन भाई मुस्लिम, बेगम हजरत महल मुस्लिम, बहादुर शाह जफर मुस्लिम, और ऐसे ना जाने कितना ही सैकड़ों नाम इतिहास के पन्नों को जगमगा रहे हैं, और एक तरफ नेताजी इस देश को हिंदू राष्ट्र बतला रहे हैं, और दूसरी तरफ राधा कृष्ण को पूजने वाले दो प्रेमियों को जिंदा जला रहे हैं, और सही तो सुन रहे हैं, अच्छे दिन आ रहे हैं। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई है, उस ऊपर वाले ने इंसानियत और लोगों की रंगत एक ही बनाई है। भाषणों में तो कह देते हैं कि सब धर्मों के लोग हमारे भाई हैं, लेकिन 84 और गोधरा में हमारी याद क्यों नहीं आई है? अरे इस देश को आजाद कराने में हमारे पूर्वजों ने तो लाठियां खाई हैं, और आज वो ऊपर से हमको पूछते हैं कि क्या इसलिए हमने आजादी की लड़ी लड़ाई, क्यों नहीं समझते हो इस आजादी के मूल बोले सस्ते में नहीं आई है, इसके लिए कितनी माओं ने अपनी कोख सुनी करवाई और कई बहनें विधवा हुई हैं।